क्वेश्चन नंबर 190, सॉल्व 3x प्लस 1 बाई 5 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम टू डिफरेंट वे से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, 3x प्लस 1 बाई 5 इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो इसमें हम इसको बिना सेपरेट किए हुए ही वेरिएबल और कॉन्स्टेंट वाले टर्म को एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम होगा 5, फिर 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, और 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 15x, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1, और फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट 15x प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस एक्स, और फिर इसमें हम पहले इस ब्रैकेट का वर्क करेंगे। इस ब्रैकेट को ओपन करने से ये 5 बोथ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा 10 माइनस 5x। और अब हम वेरिएबल वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सेपरेट कर लेंगे। तो इस माइनस 5x को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा प्लस 5x, और इस 1 को राइट हैंड साइड की तरफ लाएंगे तो ये होगा माइनस 1। सो 20x इक्वल टू 9, सो एक्स इक्वल टू 9/20 आंसर। और इसका सेकंड मेथड में स्टार्टिंग में ही हम सेपरेट कर लेंगे वेरिएबल वाले टर्म को वन साइड और कांस्टेंट वाले को अनदर साइड। तो ये वेरिएबल वाला टर्म है, तो इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये होगा प्लस एक्स, और इस कांस्टेंट वाले टर्म को राइट हैंड की तरफ ट्रांसपोज करेंगे माइनस 1/5। और इसमें एलसीएम लेंगे 5 होगा, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये होगा 20x इक्वल टू 9, सो देयरफॉर x इक्वल टू 9/20 आंसर। और अब हम इसके सॉल्यूशन को वेरीफाई करेंगे चेकिंग LHS इक्वल टू 3x प्लस 1/5, now putting x equal to 9/20, +1/5, और 20 और 5 का एलसीएम होगा 20, और इसका आरएचएस है 2 माइनस एक्स, सो देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, hence verified.